नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद श्रीवास्तव आपके YouTube चैनल में आप सभी लोगों का सहृदय नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अब जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो मेरा UPPSC RO/ARO से संबंधित होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल UPPSC RO/ARO की विज्ञप्ति आ गई हुई है, और इस विज्ञप्ति में इस बार कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले उन बदलावों पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव जो किया गया है वो ये किया गया है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, और नेगेटिव मार्किंग जो की गई है वो 1/3 की गई है। ठीक है ना, कि यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1/3 नंबर जो है सही नंबरों में से काट लिए जाएंगे। दूसरा जो बदलाव किया गया है वो इस बार बदलाव ये किया गया हुआ है कि इस बार जो है न्यूनतम दक्षता मानक कर दिया गया है। यानी न्यूनतम दक्षता मानक का मतलब ये हो गया कि अगर जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 30% लाना नंबर आवश्यक है। ये नंबर जब 30% आ जाएंगे तभी आपकी कॉपी जो है आगे प्रक्रिया के लिए प्रोसेस होगी, यानी तब मेरिट में आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अगर 30% से कम नंबर हैं तो आप एग्ज़ाम से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। और दूसरा जो है जनरल और OBC के लिए है, इनके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स की गई है वो 40% की गई, यानी SC ST कैंडिडेट जो हैं वो 30% नंबर उनको लाना अनिवार्य है तभी वो मेरिट में बन सकते हैं, और नहीं तो नहीं। और जनरल OBC के लिए 40%, यानी दो ये बदलाव हो गए। और एक और जो आपत्तियां उठ रही थी ARO के लिए कि उसमें से O-Level हटा दिया जाए, तो आयोग ने ऐसा कुछ नहीं माना हुआ है और ARO के लिए आज भी जो है O-Level की अनिवार्यता रखी गई हुई है। दूसरी बात, इसमें जो इसके प्रोसेस हो रहे रजिस्ट्रेशन के, आप लोगों को बताइए कि 30/12/2017 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं, और ये रजिस्ट्रेशन जो है 25/1/2018 तक चलेंगे। यानी 25 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं, और 5 दिन फिर आपको 30 जनवरी 2018 तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। यानी 25 जनवरी मानिए आप, 25 जनवरी तक अपना आप पेमेंट और रजिस्ट्रेशन दोनों कर दीजिए। और एग्ज़ाम जो इसका है अभी संभावित जो है 8 अप्रैल को दे दिया गया है डेट कि 8 अप्रैल एग्ज़ाम होने हैं। आपको सिलेबस पता ही होगा, इसमें सिलेबस क्या चीज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपके दो पेपर होंगे। पहला जो है हिंदी रहेगा और दूसरा जो आपका रहेगा वो GS रहेगा। हिंदी आपका जो रहेगा वो 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और GS के जो रहेंगे 140 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी टोटल जो रहेंगे वो आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के। ठीक है, तो अब सबसे पहले कमांड हम लोग किस में कर सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें, तो वो जो रहेगा हमारा हिंदी सेक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें हम ईजिली जो है 50 से लेकर 58 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर दें, क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो इन्होंने फिक्स दिया हुआ है। और GS की अगर बात की जाए तो GS में मान के चलिए आप 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो करंट से रहेंगे, तो आप विश्वास रखिए कि करंट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस बहुत ईजिली तैयार हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आप लोगों को सेलेक्टेड पॉइंट एक तरीके से कई पुस्तकों से संकलन करके, नेट से करके संकलन करके आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो अब जो भी मेरा रहेगा वो टॉपिक से हिंदी या फिर GS से संबंधित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, लेकिन प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि यदि ये मेरा चैनल आप लोगों को सही लगे, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना